हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ये व्लॉग है अबाउट माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। लाइक मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं क्या अपने लिए अलग स्किन केयर रिलेटेड चैनल बनाऊं, जहाँ पे मैं सिर्फ स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, स्किन केयर रिलेटेड इश्यूज हो गए है ना, और जो भी रूटीन होता है और इन रैंडम स्किन रिलेटेड वीडियोस मैं वहाँ डालूँ करके, ASMR है ना। तो मैं वही सोच रही थी कि शुड आई मेक अ सेपरेट चैनल फॉर इट, और या फिर मैं इसी के साथ चलूँ करके। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि मैं इसी चैनल में ये सब चीज़ें डालूँ या फिर मैं अपने लिए एक सेपरेट चैनल बनाऊँ जिसमें मैं सिर्फ स्किन केयर रिलेटेड चीज़ें डालूँगी। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, तो अभी ही मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कुछ इस तरीके का है। अभी मैंने फेस अपना वॉश कर लिया है एंड ये मैंने किया था नेचुरल, वैसे ख़त्म होने वाला, इट्स अबाउट टू गेट फिनिश। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश लगा मुझे। लाइक इसमें पॉमग्रेनेट है, एंडमिंट है, एंड कुकुम्बर है, केसर है। केसर ऑब्वियसली लाइक आपके स्किन को एकदम क्लियर करता है। एंड यस, पॉमग्रेनेट स्किन को बहुत सपल बनाता है। कुकुम्बर से आपको थोड़ा कूल और वैसा फ्रेश फील होगा। तो लाइक या दिस इज़ लाइक अ गुड प्रोडक्ट। मैंने ये इंडिया से लिया था, इंडिया में यूज़ कर रही थी मैं इसी को, बट अब यहाँ पे मुझे मिल ही नहीं रहा है। अब ये फिनिश होने वाला है तो लेट्स सी इसके बाद मैं कौन सा लेती हूँ। अभी मेरी स्किन में ये एक पिंपल भी हो गया है, पता नहीं कब तक ठीक होगा, बट या आई एम नॉट पॉपिंग इट। तो इसके बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है ये टोनर। ऑल्दो ये वाला टोनर नहीं है, पिलग्रिम का ये भी मैं यूज़ कर रही थी, इंडिया से ही मैंने लिया था, यूज़ कर रही थी। अब ये पूरा फिनिश हो चुका है तो मैंने इसके अंदर ना राइस वाटर का जो टोनर होता है वो बना के रखा है। राइस वाटर को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा एंड देन उस पर मैंने वाइटामिन ई की जो कैप्सूल्स कट करके वो उसमें वाइटामिन ई का मैंने वो ऑयल डाला। एंड यस, फेस का ये टोनर रेडी हो गया है। अब मैं ये बॉटल खाली हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी में इसको बना के डाल लेती हूँ। सो यस, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक ये जो राइस वाटर का जो टोनर है बहुत अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी इफेक्टिव है। ऑल दो इट स्मेल्स बैड, मतलब जब फर्मेंट होके ना ये बहुत ही बैड स्मेल देता है, तो बट या इसका जो वर्क है वो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा वर्क करता है ये। तो अभी हम इसको थोड़ा एयर ड्राई होने देंगे। वाटर है इसको यूज़ करके मेरे जो पोर्स हैं, मेरे काफ़ी ओपन पोर्स भी थे यहाँ पे, तो उसमें भी फ़र्क पड़ा है काफ़ी। तो इट्स अ मस्ट ट्राई। और मुझे नहीं लगता मैं कोई टोनर लूँगी, आई विल स्टिक विद द राइस वाटर वन। मैं उसी को प्रिपेयर करके इसी में, जब ये एम्प्टी हो जाएगा, अभी तो है इसमें तो। बट हाँ, ये जो पिलग्रिम का मैं यूज़ कर रही थी ना रेड वाइन फेस में, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक इसको जैसे लगाते हैं ना, ये पिंक कलर का था वो वाइन टाइप, तो पिंकिश थोड़ा वैसा ग्लोई सा वो आपको लुक दे रहा था, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट देन अगेन, ये मुझे यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, तो फिर और मुझे अभी कुछ यहाँ का देखना है कि कनाडा में किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो उसके हिसाब से कौन सा मेरी स्किन को सूट करेगा, तो वो सब चीज़ें मुझे देखनी है, तो उस हिसाब से मैं लूँगी अपने आगे के प्रोडक्ट्स। तो या फिलहाल मुझे लगता है कि मैं राइस टोनर के साथ स्टिक करूँगी। इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ गुड इन्ग्रीडियंट, नेचुरल है बहुत ज़्यादा। Then my next step is I'll apply this Cosrx ka snail serum. Like this is a holy grail product. Seriously, like ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही, लाइक मुझे 1 ईयर हो गया इसको यूज़ करते हुए, एंड मेक्स योर स्किन सो ग्लोइंग एंड काफ़ी इफेक्टिव लगा मुझे ये, एंड आई कैन सी द डिफरेंस ऑन माई स्किन। इसको यूज़ करके ओवरऑल और ये भी लाइक 1 ईयर हो गया है इसको यूज़ करते हुए, एंड अभी भी ये आधी बॉटल खाली हुई है, आधी अभी बची है, और अब मुझे लगता है ये अभी चलेगी काफ़ी। तो यार, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, एंड I might buy the second bottle as well जब ख़त्म हो जाएगा।
यानी बहुत अच्छा इवनली मतलब आपके फेस को और मेरे पोर्स, इस मुझे लग रहा है इसका भी इफेक्ट है कि मेरे पोर्स जो हैं, ओपन पोर्स जो हैं, लार्ज पोर्स जो हैं, वो थोड़े सही हुए हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा. सो या आई लाइक दिस प्रोडक्ट. और इसके बाद मेरा लास्ट स्टेप इज़ दिस एलोवेरा जेल. तो लाइक ये मैंने रीसेंट अपने स्किन केयर में इंक्लूड किया है इसको, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. और इसको ना मैं रेफ्रिजरेट करके रखती हूँ तो ये इतना अच्छा सूदिंग कूलिंग इफेक्ट देता है ना, इतना ज़्यादा. तो लाइक बहुत ही अच्छा है ये. यस, डोंट फॉरगेट योर नेक. अच्छा सूदिंग, एकदम कूल रिफ्रेश फील देता है आपको. मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एलोवेरा जेल करते हुए, लाइक आई गेस ऑलमोस्ट 2 वीक्स. तो 2 वीक्स हो गए, मेरा सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक ख़त्म हो गया मतलब. तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा ये. एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है तो. मैं यूजुअली मॉइस्चराइज़र अपने नाइट स्किन केयर में रूटीन नाइट स्किन केयर में इंक्लूड करती हूँ. एंड आजकल मैं मॉर्निंग के टाइम सिर्फ एलोवेरा जेल लगा दे के मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ इनफ मतलब ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से कर ही रहा है और काफ़ी सपल और वैसा बना देता है स्किन को. तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इंक्लूड करने की ज़रूरत है, मतलब मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है अभी. तो यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ये मेरा था सेकेंड लास्ट स्टेप. एंड माई लास्ट स्टेप इज़ दिस वैसलीन लिप बाम. दिस लिप बाम इज़, ये भी ख़त्म होने वाला है, मैं इतना यूज़ कर चुकी. लाइक मैं एक बार ही मैं प्रोडक्ट ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार ख़रीद रही हूँ. तो और वही मेरा काफ़ी टाइम चल जाता है. डन विद द स्किन केयर. ये मेरा बहुत ही ज़्यादा मोटा पिंपल हो गया है, लेट्स सी कब तक ठीक होता है. सो या गाइस, दिस इज ऑल फॉर माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. एंड यस गाइस, प्लीज़ डू लेट मी नो कि क्या मैं ये इस वीडियोस को, मतलब स्किन केयर रिलेटेड जो भी मैं करूँगी वो इसी चैनल में इंक्लूड रखूँ या फिर मैं अपना एक सेपरेट चैनल बनाऊँ जिसमें मैं स्किन प्रोडक्ट रिव्यूज़ है ना, और कैसे कैसे कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ओवरऑल हर चीज़ के बारे में, स्किन केयर रिलेटेड, लाइफस्टाइल के रिलेटेड. तो सेपरेट चैनल बनाऊँ. जस्ट टू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. बाय.